नमस्कार, मैं रविश कुमार। 80,000 टन मलबा निकला है। भ्रष्टाचार का टावर नाम देकर नोएडा में जिस टावर के गिरने का जश्न मनाया गया, अब मलबे का टावर बनकर लोगों के फेफड़े में घुस चुका होगा और घुसता भी रहेगा। नोएडा और देश के अन्य इलाकों में अनगिनत लोग बिल्डरों की जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें अगर किसी तरह से उम्मीद है कि मीडिया उनकी आवाज बनने जा रहा है तो वे धोखे में ना रहे। एक बिल्डर के झांसे में आकर अपनी कमाई और जिंदगी गंवा देने वाले लोगों की कहानी में शायद ही मीडिया को दिलचस्पी होगी, क्योंकि उस कहानी में कोई तमाशा नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का टावर गिराए जाने का तमाशा हर किसी ने देखा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह इमारत भ्रष्टाचार का प्रतीक तो है ही। सवाल है कि इसके लिए सजा इमारत को मिल रही है या इसमें शामिल अधिकारियों को। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण में उस दौरान 2014 से 2012 के बीच 24 अधिकारी, कर्मचारी और सुपरटेक प्रबंधन के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया। हमारे सहयोगी अरविंद उत्तम का कहना है कि एफआईआर हुई है, 24 अधिकारी हैं और नोएडा प्राधिकरण के 2 पूर्व सीईओ भी। एक सीईओ का नाम है मोहिंदर सिंह और एक का नाम है एसके द्विवेदी। ये दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आरपी अरोड़ा और पीएन बॉथम अतिरिक्त सीईओ थे, इनके भी नाम एफआईआर में हैं। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, उनमें से 2 की मौत हो चुकी है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन बाकी रिटायर हो चुके हैं। जनवरी 2022 में आरोप पत्र जारी कर आरोपी अधिकारियों ने कई दस्तावेज अथॉरिटी से मांगे थे। 2 सप्ताह में जवाब देने थे, लेकिन 7 महीने बाद इन आरोपी अधिकारियों ने जवाब दिया और ट्विन टावर बनवाने में हुई गड़बड़ियों से खुद को अनजान और निर्दोष बताया है। 10 से 20 पन्नों के अपने जवाब में अधिकारियों का कहना है कि सारी मंजूरी नियमों के तहत दी गई। इसके लिए कुछ दस्तावेज भी इन अधिकारियों ने संलग्न किए हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट GH4 आवंटित किया गया और भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 54,815 वर्ग मीटर है। इसके लिए नक्शे 2006, 2009 और 2012 में पारित किए गए। नक्शे में बदलाव की अनुमति उस समय समिति लिया करती थी, इसलिए सीईओ के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन FAR की मंजूरी सीईओ और बोर्ड बैठक तक में हुआ करती थी। इस मामले में वर्ष 2006 में पहली बार नक्शे में बदलाव के समय सीईओ संजीव शरण, दूसरी बार 2009 में सीईओ मोहिंदर सिंह और तीसरी बार 2012 में बदलाव के समय सीईओ कैप्टन एसके द्विवेदी थे। तीनों सीईओ रिटायर हो चुके हैं और मोहिंदर सिंह विदेश में हैं। कोर्ट ने इस इमारत को अवैध साबित किया है, लेकिन इन अधिकारियों के जवाब से क्या माना जाए जो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। जिनके नाम FIR में हैं, उन्हीं के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं। कार्रवाई इतनी देर से भी नहीं हुई, तब भी लोगों ने मान लिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। जिस तरह से 2,000 किलो विस्फोटक लगाए गए, सारा प्रशासन जुट गया, उस तरह से इन 26 लोगों के खिलाफ मामले को अंजाम तक पहुंचाने में क्यों नहीं तत्परता दिखाई गई। ऐसा लगता है कि एक इमारत को सजा दी गई है, जिनकी वजह से यह इमारत खड़ी हुई वो सजा से बच गए हैं। कहीं कहीं दोषी अधिकारियों की संख्या 24 भी बताई जाती है, 26 भी और 30 भी। पर दोनों ट्विन टावर जमीन दोज हो गए हैं, उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से धूल का गुबार उड़ रहा है। बिल्डर के खिलाफ किसी भी लड़ाई में जीत हो बड़ी बात होती है। इनके झांसे में आकर आदमी जिस दुष्चक्र में फंसता है वो अंतहीन है। लेकिन क्या ट्विन टावर के गिरने पर ताली बजा देने से भ्रष्टाचार का टावर गिर गया? जो मीडिया कथित रूप से बजट की कमी के कारण उसी यूपी में आई बाढ़ और सूखे को कवर करने नहीं जाता है, किराए पर खुली ऑडी कार लेकर कवरेज करने लगा, या वो मिडिल क्लास है जिसे बिजली का मीटर लगाने से लेकर तरह तरह के कनेक्शन लेने पर रिश्वत देने की सच्चाई मालूम है, लेकिन फिलहाल इसने मान लिया कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उसकी बड़ी जीत हुई है।
यह वही समाज है जो 6 साल पहले भ्रष्टाचार मिटा देने के नाम पर कई दिनों तक लाइन में लगा रहा और नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया करता था। इस समाज के बच्चों के स्कूल में पर्यावरण दिवस पर ड्राइंग कंपटीशन जरूर होते हैं, जिसमें नदी और पेड़ की तस्वीर बनाकर बच्चा पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का गर्व माता पिता को सौंप देता है। 40 मंजिला इमारत जब बन रही थी तब भी पर्यावरण का नुकसान कर रही थी, अब इसे गिराकर नुकसान को और गहरा किया गया है। इसे रोकने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे उपाय सुझाए। यहाँ ठंड के दिनों में गरीबों के लिए रात्रि आश्रय स्थल बन सकता था, सेना के शहीदों के परिवारों को दिया जा सकता था, विकलांगों को दिया जा सकता था, स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनाए जा सकते थे। इसका इतना ही मतलब है कि समाज में अब भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो समझते हैं कि भ्रष्टाचार की सजा के और भी तरीके हो सकते थे। मगर इस इमारत के गिरने पर ताली बजाने वालों ने साबित कर दिया कि जो लोग नोटबंदी के समय ताली बजा रहे थे वही थे जो कोरोना के समय बालकनी में आकर ताली बजा रहे थे, और वही लोग हैं जो इस इमारत के गिरने पर भ्रष्टाचार के मिट जाने के जश्न के रूप में ताली बजा रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई की जीत का जश्न मना रहे हैं। 12-13 साल कोर्ट में लड़ने वालों के संघर्ष को भी आप खारिज नहीं कर सकते। इस देश में बिल्डर के खिलाफ कोई भी जीत किसी जंग की जीत से कम नहीं। हो सकता है इस जश्न में वो खुशी शामिल रही हो। नोएडा से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, उनकी लड़ाई एक मंजिल पर पहुंची है। लेकिन जिस तरह से एक इमारत को गिराया गया है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भी चिंता होती तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसे सवालों पर हमारा समाज कहाँ चिंतित होता है। वायु प्रदूषण का आंकड़ा देखकर एयर प्यूरिफायर खरीदने को पर्यावरण से लड़ना मानता है, लेकिन क्या जीत की इस खुशी में हम धरती का ज्यादा नुकसान नहीं कर गए? बहुत खुशी का महाभाव है, और क्या कहते हैं, सभी लोग जो हैं जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब बहुत खुश हैं। सबसे बड़ा यह है कि सेफ डिमोलिशन हुआ है। पहली बात तो हमारी लड़ाई के ऊपर जो हम इस काम तक पहुंचे, उसके बाद में जो है सेफ डिमोलिशन हुआ, हमारी सोसाइटी को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बहुत बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि हर आदमी इसका जश्न मनाएगा और हम लोग भी जो है एक इसकी पार्टी करेंगे और जश्न मनाएंगे। कितनी मुश्किल थी लड़ाई? मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल लड़ना था। ये तो भगवान की कृपा है, उन्होंने हमें शक्ति दी, हमें जज्बा दिया लड़ने का, अदरवाइज 10 साल इतने बड़े बिल्डर से कौन लड़ सकता है। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद अभी क्या हाल है सोसाइटी का? कोई डैमेज तो हुआ है, डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ऑलरेडी बता दिया है कुछ भी डैमेज नहीं है, 0% है। 4-5 ग्लासेस टूटे हैं, वो और 5-10 ग्लासेस का रिपोर्ट आएगा, वो रिप्लेस कर देंगे, एडिफिस उनको रिप्लेस करा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। नोटबंदी के समय को याद रखिएगा, लोगों ने यकीन किया कि भ्रष्टाचार दूर होने वाला है इसलिए लाइनों में लगे रहे। उसी तरह ट्विन टावर के ध्वस्त होने से जश्न मना रहे हैं कि भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो गया। यह जो मलबा नोएडा से हटेगा कहां जाएगा? 80,000 टन मलबा हटाने के लिए कितने हजार ट्रक चलेंगे? क्या वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे? 3 महीने में यहां से मलबा हटने की बात कही जा रही है। हटने के दौरान भी प्रदूषण फैलेगा। जिस शहर में नवंबर के महीने में हवा खराब होने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है, उस शहर में इमारत गिराकर इतना मलबा पैदा किया जिसे हटाने में 3 महीने का वक्त लगने वाला है। 80,000 टन मलबे का यह गुबार है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 टन मलबा तो इन दोनों इमारतों के बेसमेंट में ही खप जाएगा। कंक्रीट का मलबा कहीं भी पड़ा रहे उसका क्या असर होगा? उसके कण किस तरह उड़ते रहेंगे, फेफड़े में घुसते रहेंगे या अभी ही घुस चुके हों? ये सब वो सवाल हैं जिस पर चिंता की जा सकती है। लेकिन 30,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने तक 3,000 ट्रक चलाए जाएंगे। धूल के कण कहीं भी गायब नहीं होते, कार्बन वातावरण में ही रहता है, वो कहीं मिटता नहीं है, इसलिए कार्बन के उत्सर्जन को खतरनाक माना जाता है। ट्विन टावर को गिराने में 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए और मलबा हटाने में भी 20 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। ये जो वेस्ट है, ये टोटल CND वेस्ट जो है वो 80,000 टन का CND वेस्ट होगा।
तो हम लोग ये आकलन किए कि जो साइट है उसमें दो बेसमेंट था, करीब करीब 50,000 टन जो है वहीं पे अकोमोडेट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेस्ट सीएनडी वेस्ट अवेलेबल था, जिसको हम सही तरीके से इसका डिस्पोजल रीयूज ये करना था, वो था 30,000 टन। तो उसमें फाइनली हम लोगों का जो एनओसी लेके ये करके नोएडा अथॉरिटी के हेल्प से उनका एक सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे बातचीत किया गया। फिर वो कितना अकोमोडेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका ये कहना था कि हम जो है 250 से 300 टन डेली बेसिस पे हम लेके प्रोसेसिंग करके उठा सकते हैं। तो फिर एक प्लान तैयार किया गया कि ये पोस्ट डिमोलिशन, जो डिमोलिशन हो जाएगा 3 महीने में ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। ये 50,000 टन जो कह रहे हैं सर कि वहीं यूज हो जाएगा, वो क्या यूज होगा उस जगह? वो यूज मतलब जो दो बेसमेंट है वो बहुत बड़ा एरिया, 5,600 कुछ स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा ग्राउंड लेवल अचीव करने के लिए। क्योंकि आप मान लीजिए जो गड्ढा है उसको भरने में यूज हो जाएगा। प्रदूषण को लेकर कोई बात हुई कानून सर की, प्रदूषण जो होगा उसको कैसे? यस, प्रदूषण हम बोले थे 15-20 मिनट का एक डस्ट क्लाउड होगा, उसके बाद जो डस्ट है वो डिस्पर्स कर जाएंगे। ठीक है, उसमें जो 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 सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसका लेवल थोड़ा हाई आया होगा कुछ घंटे तक, और हम वो महसूस भी किए। आप हमारे जूते से देख सकते हैं कि इसी तरह का धूल ये आया था, बहुत धूल खाए हम। कुछ समय के लिए भी फेफड़े में सस्पेंडेड पार्टिकल घुस जाए तो क्या यह चिंता की बात नहीं है? क्या ऐसा कोई पैमाना है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो कितने दिन या कितने घंटे तक घुसा रहेगा तभी फेफड़े पर असर करेगा? क्या आप कुछ समय के लिए प्रदूषित जगह पर जा सकते हैं? अभी ये जो कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से जो मलबा निकाला जाएगा उसे प्रोसेस किया जाएगा, रिसाइकलिंग की जाएगी, इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। 25 अगस्त 2020 को डाउन टू अर्थ में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के मलबे को लेकर एक रिपोर्ट छपी है। इस रास्ते से जितना भी मलबा पैदा होता है भारत उसका केवल 1% रिसाइकिल करता है। 2016 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज मिली जिसमें तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारत में हर साल 530 मिलियन टन मलबा तैयार होता है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है कि इस देश में 150 मिलियन टन इमारती मलबा पैदा होता है। यह भारत सरकार की बिल्डिंग मटेरियल प्रमोशन काउंसिल का आंकड़ा है। इस तरह के मलबे की रिसाइकलिंग की जो दैनिक क्षमता है वो 6,500 टन प्रतिदिन ही है, यानी कुल मलबे का मात्र 1%। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2017 तक 53 शहरों में इमारती मलबे को निपटाने और फिर से इस्तेमाल करने के लिए प्लांट बन जाने थे, लेकिन 2020 तक केवल 13 शहरों में बने हैं। जब लोग अपने विवेक की चिंता नहीं करेंगे तो उनके फेफड़ों की चिंता कौन करेगा? 53 शहरों में इमारती मलबे के निस्तारण का प्लांट बन जाना था, बना केवल 13 शहरों में। इमारती मलबों से जो धूल कण उड़ते हैं उससे शहर की हवा प्रदूषित होती है। 2024 तक शहरों की हवा में जो धूल कण मिल रहे हैं उसमें 20 से 30% की कमी लाई जानी है। यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नोएडा में जो मलबा पैदा हुआ है वो धूल में बदल चुका होगा, धमाके के बाद बड़ा हिस्सा रेत में बदला है। यह भी याद रखिए कि इसमें 3700 किलो बारूद भी है। पेड़ों के पत्तों को धो देने से हवा साफ नहीं होती, इस कार्रवाई से धूल पत्तों से उतर जाती है ताकि पत्ते फिर से हरे दिखने लग जाएं, लेकिन वह धूल कहां जा रही है इसके बारे में भी पता रखिए। जो हम कह रहे हैं 9 सेकंड का ब्लास्ट, वो उसकी जो उसका जो प्रभाव होगा वो 9 सेकंड का नहीं होगा, वो अभी आने वाले समय में इसका प्रभाव काफी दिनों तक रहेगा। और ये भी सोच के चलिए जो धूल का जो हॉटस्पॉट ये बन चुका है, अब जाड़े का समय आ रहा है जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, तो ये जो लोकल हॉटस्पॉट है इसकी मैनेजमेंट बहुत ठीक तरीके से हमें करना होगा। और इसके कारण जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं जी, हमारे सांसों के साथ
ये धूल घुल कर कितना तक हमारे नसों फेफड़े तक जा रहे हैं, इसका तो जरूर असर होगा। अब पर ये अभी अगर बड़े बड़े धूल के कण हैं तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचेगा और उससे जो हमें कफ और रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं वो बिगड़ सकता है। और पर अगर बहुत इसके साथ जिसको हम फाइन डस्ट कहते हैं वो और भी अगर अंदर तक पहुंचता है तो उससे और भी बिगड़ सकता है। नोएडा में जो मलबा पैदा हुआ है वो अब फेफड़े में भ्रष्टाचार पैदा करेगा। जिस देश में इमारती मलबा से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने की इतनी खराब व्यवस्था है, जिसे जहां खाली जगह मिलती है वहां फेंक आता है, उस देश में बताया जा रहा है कि इतनी ऊंची इमारत पहली बार गिराई गई है, तो चलिए टेलीविजन से कवरेज देखते हैं और तालियां बजाते हैं, कोई रिकॉर्ड सा बन गया है। मगर दुनिया भर के देशों में ऐसी इमारतें गिराई जाती रहती हैं। इमारतों के गिराए जाने की टेक्नोलॉजी हर देश में, ज्यादातर बड़े देशों में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। दुनिया भर में इमारतें ढहाई जाती रही हैं। 2015 में चीन में 118 मंजिला इमारत ढहा दी गई। 2 टन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो गिरा दी गई। उसी तरह 2021 में 15 बहुमंजिला इमारतों को एक साथ गिरा दिया गया, जो 8 साल में पूरी नहीं हो सकी थी। यूनान प्रांत की राजधानी कुमिंग में जब इमारतें गिराई गईं तो धूल का गुब्बार उठ गया। 45 सेकंड के भीतर ये सारी इमारतें मिट्टी में मिला दी गईं। जनवरी 2022 में भी चीन के हाइनान प्रांत में 39 इमारतों को इसी तरह ध्वस्त किया गया। चीन में जितना कचरा पैदा होता है उसका 30-40% इमारती मलबा होता है। बहुत ज्यादा इमारती मलबा वहां पैदा होता है। अमेरिका और जापान अपने इमारती मलबे का 90-95% रिसाइकिल कर देते हैं। भारत में यह 1% है। 2018 में अमेरिका में जो इमारती मलबा पैदा हुआ वो निगमों के कचरे से 2 गुना था। या जो कहा जा रहा है कि 50,000 टन नोएडा के ट्विन टावर के बेसमेंट में रहेगा, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतनी बड़ी मात्रा में मलबा इस इलाके में होगा, क्या उसका कुछ भी असर नहीं होगा? जो वहां पे इतना जो मलबा गिरा हुआ है, अब ये मलबा से अब कई दिनों तक उसका जो असर होगा हमें उस पर अभी ध्यान देना होगा। अब देखिए वहां पे जो कहा जा रहा है कि 80,000 टन तक मलबा वहां पे गिरा हुआ है और जो प्लानिंग के जरिए वो ये सोच रहे हैं कि 30,000 टन वो प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाएंगे और 50,000 टन वहीं पे रखेंगे, क्योंकि जो इमारतें थी उनकी जो बेसमेंट एरिया था उसकी इनफिलिंग होगी। अब इससे क्या हो सकता है और किस पे हमें ध्यान देना होगा? जब ये 30,000 टन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उससे जो धूल उड़ेगी और विशेष करके जब लोडिंग और अनलोडिंग होगा तो हमें तब ध्यान देना होगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके के गाइडलाइंस बनाए हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत सख्ती से अपनाया जाए। क्योंकि आप देखिए इधर तो इतना मलबा गिरा होगा पर ये 30,000 टन आप और कहीं लेके जाएंगे, वहां भी वो उसको स्टोर करके रखना होगा। तो एक तो है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरीके की जो हमें चेकलिस्ट है डस्ट कंट्रोल की उसको अपनाना होगा, और दूसरा है कि ये जो बेसमेंट को भरने के लिए 50,000 टन जो वहां छोड़ा जाएगा उससे क्या हो सकता है और उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके इम्पैक्ट एनालिसिस करना और उसके साथ साथ जो उपाय है उसको अपनाना। अब क्या हो सकता है? एक है कि देखिए अब जो हम जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है कि जो इतना जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था कर ब्लास्टिंग के लिए, अब उसके कारण ये जो मलबा है ये कंटेमिनेटेड है। पर अभी अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मलबा यहाँ गिरा होगा, बारिश का पानी गिरेगा, इससे जो ग्राउंड वाटर की जो इसकी लीचिंग होगी वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हमें ग्राउंड वाटर की जांच अब रेगुलरली हमें करना चाहिए ये समझने के लिए कि उसका कुछ प्रभाव हो रहा है कि नहीं। और दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान में देना होगा कि ये जो 50,000 टन है ये है कॉन्क्रीट और उसके साथ साथ
इमारतें बनाने के लिए जो स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम की जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी गिरा हुआ है, और ये सारा मेटल को हमें वहां से निकाल के उसका फिर से इस्तेमाल करने के लिए, जो रीयूज करने के लिए, उसके लिए भी हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये वहां पर ही काफी कार्रवाई की जाएगी, जहां पे जो टेम्पररी सिस्टम्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से कंक्रीट और मेटल को वो अलग करेंगे। तो इसके लिए वहां पे कई 10 कंट्रोल के मेजर्स हमें अपनाने होंगे, जिसे हम कहते हैं विंड बैरियर, फिर स्प्रिंकलिंग ताकि धूल ना उड़े, कई तरीके के टेक्निक्स हैं ये इतनी जो बड़ी जो डंप साइट बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ा डंप साइट बन चुका है, अभी हमें देखना होगा कि एयर एक्ट और वाटर एक्ट के जरिए जो नियम कानून है, जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो नियमें बनाई गई हैं और जो भी रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उसको हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेशक इस तरह के वीडियो वायरल करने लायक होते हैं, लोग बिना सोचे समझे बार बार देखते हैं, देखते हुए क्या महसूस करते हैं पता नहीं। क्या उनके जहन में यह सवाल उठता होगा कि इतना मलबा अलग अलग लोगों के फेफड़े में घुसेगा तो क्या होगा, या जो मलबा पैदा हो रहा है क्या उसे किसी तरह से रोका जा सकता था। परिमल ने नोएडा में उस जगह पर जाकर देखा जहां इमारती मलबे की रिसाइकलिंग होती है। पहले ट्रक को गीला अच्छे से किया जाएगा, जितना भी सीएनडी वेस्ट है प्रॉपर उसको गीला किया जाएगा ताकि उसमें से धूल ना उड़े उसको अनलोड करते हुए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे आगे प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा, जहां पर अलग अलग तरह के प्रोसेस करने के बाद मटेरियल निकलेगा। जो साइज इसका रहता है, हमें जो मटेरियल सीएनडी वेस्ट आएगा वो मिनिमम 200 एमएम का साइज रहेगा। उसके बाद हम उसको क्रश करके 10 एमएम, 20 एमएम, 40 एमएम और अबव 40 एमएम में कन्वर्ट करके इसको सेल आउट कर देंगे। क्या क्या बनेगा उसका अगर एमएम के हिसाब से बताएं? हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड और 10 एमएम, 20 एमएम को यूज करके पेवर ब्लॉक बना देंगे। उस पेवर ब्लॉक को हम ओपन मार्केट में सेल आउट कर देंगे, मतलब उसको मोटे तौर पे टाइल्स कह सकते हैं हम बोलचाल में। हम जो फुटपाथ में हमारी टाइलें लगी होती हैं वो वहां पर यूज होंगी, वो टाइल्स बनेगी हमारे यहाँ पर। और बाकी बाकी का मटेरियल हम रोड प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं एज ए जीएसबी, और जो रोड्स बनती हैं, ड्रेनेज बनती हैं, फुटपाथ बनते हैं, उनके लेइंग प्रोजेक्ट्स में ये काम यूज होता है मटेरियल। जितना भी पीसीसी का वर्क होता है सब रिसाइकल मटेरियल से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा कि मशीन में जो है वो ये भी किया गया था कि अलग अलग तरीके से उसमें कचरा निकालने का भी काम मैन्युअली भी हो रहा था और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी के दम पे भी की जा रही है। जो सीएनडी वेस्ट आता है वो बेसिकली मिक्स आता है, घरों से जो सीएनडी वेस्ट होता है वो मिक्स होता है, उसमें वुड होती है, प्लास्टिक होता है, आयरन होता है, स्टील होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम मैन्युअली सेग्रीगेट करने के बाद इसको प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाते हैं। प्लांट पूरी तरह वेट वेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें हम फॉग गन लगाया हुआ है जो कि धूल को मिनिमाइज कर देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल की प्रवेश परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जुलाई और अगस्त का महीना ऐसे ही गुजरने जा रहा है, सितंबर भी चला जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक और पढ़ाई भी शुरू नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि युवा समझ नहीं रहे, जो विदेश जा सकते हैं वे अब विदेश जाने के लिए नवीं क्लास से ही तैयारी करने लग गए हैं। विदेश जाकर स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो छात्र हैं जो विदेश जाने के चक्कर में विदेश नहीं जा रहे, बल्कि वाकई समझ गए हैं कि यहां पढ़ाई का स्तर रसातल में जा रहा है। यहां अब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसका अंदाजा नहीं। अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल है, यहां से परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। जिसे यहां कैद मिली उसने जीवन का दूसरा सूरज नहीं देखा। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी लौटे ही नहीं, कुछ लोग लौटे मगर माफी मांगने के बाद। कर्नाटक की 8वीं कक्षा के कन्नड़ भाषा पाठ्य पुस्तक में सावरकर पर एक अध्याय है। इसके एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि जिस कमरे में सावरकर को रखा गया था उसमें एक भी छेद नहीं था, पर एक बुलबुल उनके इस कमरे में आती थी और सावरकर उसके पंखों पर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे ताकि वो अपनी मातृभूमि को देख सकें। यह भी कितना गलत है कि सावरकर को जिस कमरे में रखा गया उसमें एक भी छेद नहीं। आप इस तस्वीर में देखिए गृहमंत्री अमित शाह सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीर के ठीक ऊपर खिड़की की जाली है, सलाखें हैं, कई छेद।
सेलुलर जेल की यातना का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। वाकई इस जेल में आजादी के नायकों ने यातनाएं सही हैं, मगर अब जब यह पढ़ाया जाएगा कि कमरे में एक भी छेद नहीं था और सावरकर बुलबुल की पंख पर बैठकर भारत घूम आया करते थे, तब यही सब होगा। लगता है लेखक साहब पुष्पक विमान भूल गए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोग बुलबुल की पंख पर उड़ा करते थे। इस जानकारी से एनआरआई अंकिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि भारत तो पहले से ही विश्वगुरु था, लोग पंख से उड़ा करते थे। उनकी खुशी की तुलना आप नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी के ताली बजाने वालों से मत कीजिए। वैसे अगर इस टाइप की पढ़ाई हो तो वाकई पढ़ाई आसान हो जाएगी, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसे जो मन आएगा बोलेगा, लिखेगा, पढ़ाएगा। आप दर्शक भी पीपल के पत्ते पर बैठकर अपने गांव चले जाया कीजिए कल्पनाओं के जरिए। हवाई जहाज़ या ट्रेन का किराया बचेगा। गांव से वापस आते समय पीपल का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए, जामुन की टहनी पर बैठकर आ जाइए। कोई बचपन से मगरमच्छ से गेंद छीन ले रहा है, कोई बुलबुल के पंख से भारत की यात्रा कर रहा है। निहाल किदवई बता रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से पहले विवाद खड़ा हो गया है। विवाद 8वीं की कन्नड़ा भाषा की पुस्तक के एक चैप्टर को लेकर खड़ा हुआ है। यहाँ लिखा है कि अंडमान निकोबार की जेल में जहाँ सावरकर को रखा गया वहाँ कोठरी में छेद भी नहीं था। बुलबुल पक्षी वहाँ आते और उसके पंखों पर बैठकर सावरकर मातृभूमि यानी भारत की यात्रा पर आते थे। बीजेपी के मुताबिक बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये लेखक के कल्पना की उड़ान है। सावरकर भारतीयों से मनोवैज्ञानिक तरीके से जुड़े थे। सावरकर जी कवि थे, उनका भावना प्रकट किए बुलबुल पक्षी के साथ, उन्हें भावना प्रकट किए, उन्हें भारतीयों के साथ संपर्क साधन किए भावना के वजह से। ये साइंटिफिक नहीं है, ये मनोविज्ञान के जैसे आप सोच सकता है। भावना से आप हर जगह में जा सकता है, हर जगह में। सावरकर को लेकर कर्नाटक में इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। कहीं सावरकर के पोस्टर हटाए गए तो कहीं इसको लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। अब बुलबुल पर बैठकर उड़ने का विवाद। जिन लोगों ने यह पाठ्यक्रम तैयार किया है उनके मुताबिक बुलबुल पर बैठकर मातृभूमि यात्रा अपनी बात कहने का एक तरीका है। See, it is all a bogus history. They are just trying to create some nonsense. ये गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। ये नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमें सत्ता में लाएगी, तब हम इस तरह की अवैज्ञानिक चीज़ों को खत्म कर देंगे। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में लिंगायतों की वजह से आई। आज लिंगायत यहाँ गुटों में बटे हुए हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी बीजेपी को वरिष्ठ लिंगायत नेता येडियुरप्पा का दामन दोबारा थामना पड़ा। महंगाई और बेरोजगारी अपनी जगह है। ऐसे में बीजेपी यहाँ उन तमाम मुद्दों को आजमा रही है जिसमें सावरकर भी शामिल हैं, जिसके जरिए विधानसभा चुनावों में उनकी नैया पार लग सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। रोटी फिल्म का एक गाना है, 1974 की फिल्म है, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। ऐसी जनता जब मिल जाए तब बुलबुल को नाचने की भी जरूरत नहीं। बहुत से दर्शकों को पता नहीं बुलबुल किस चिड़िया का नाम है, लेकिन हम बता देते हैं कि बुलबुल की पंख से उड़ने के चक्कर में बुलबुल का शिकार मत कीजिएगा। ये कानूनन अपराध भी है और इंसानियत के खिलाफ भी। भारत घूमने के बहुत सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, पैदल के अलावा सड़क है, रेल है और विमान। बुलबुल का चहकना गाने के समान माना गया है, लेकिन उसकी लंबाई तो बहुत छोटी होती है। बुलबुल कोई हाथी के आकार का पक्षी नहीं है, इसकी लंबाई कम से कम 13 सेंटीमीटर होती है मात्र, बहुत से बहुत 29 सेंटीमीटर। इतनी छोटी चिड़िया के पंख अजगर जितने लंबे तो नहीं होते होंगे कि कोई गद्दा तकिया बिछाकर विमान बना ले। गर्दन भी बहुत छोटी होती है, पूंछ लंबी होती है, मगर किताब में नहीं लिखा है कि पूंछ पकड़कर जाते थे।
सावरकर बुलबुल के पंख पर ही बैठकर अंडमान से भारत भ्रमण पर जाते थे। भारत में किस जगह जाते थे इसका जिक्र नहीं है। पंख ब्रेक लेते थे या नहीं, या लगातार ही उड़ते रहते थे, इसका भी जिक्र नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पंख पर उड़ता देख गांव-गांव में बच्चे दौड़ने लग जाते थे। अब इस देश में कुछ भी हो सकता है। दुनिया भर में बुलबुल की 150 प्रजातियां हैं। अफ्रीका, मध्य पूर्व से लेकर इंडोनेशिया तक में बुलबुल पक्षी मिलती है। यह सब इंटरनेट से जानकारी ली गई है। सावरकर का मामला सीरियस हो जाता है। अभी तक उनकी माफी पर ही झगड़ा होता था कि सच्चे वीर हैं या माफी वीर हैं, लेकिन बुलबुल का पंख आ गया है। गांधी जी के बारे में कन्फर्म है कि वे किसी बुलबुल की पंख पर बैठकर भारत का भ्रमण नहीं कर सके। गांधी फिल्म में भी उन्हें ट्रेन से भारत का भ्रमण करते हुए दिखाया गया है। मैं भी बुलबुल के पंख से आपके घर प्राइम टाइम भेज दिया करूंगा। आग खिड़की पर बैठकर बुलबुल के आने का इंतजार कीजिएगा। इस देश में टेंशन की कमी नहीं है, हर दिन एक नया टेंशन आ जाता है। मुंबई से एक ऐसा ही टेंशन आया है जिसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अभी तक दशहरा के दिन शिवाजी मैदान में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और उनके बाद उद्धव ठाकरे भाषण दिया करते थे। सुनील सिंह बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की भी नजर दशहरा मैदान पर पड़ गई है। इस बार दशहरा रैली के लिए शिवसेना को शिवाजी पार्क मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। दादर में शिवाजी पार्क और शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का पार्टी में एक अहम स्थान है। शिवसेना 56 साल से शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली करती आ रही है, लेकिन इस बार राज्य सरकार और बीएमसी में सत्ता नहीं होने की वजह से मामला गड़बड़ लग रहा है। खबर है कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट खुद शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली कर शिवसेना को एक और बड़ा झटका देने की कोशिश में है। आज तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बाला साहब के विचारों पे चलना है। जो परंपराएं उन्होंने चालू की थी, उन परंपराओं को कायम रखना है। ये भी शिवसेना होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी है और वो उस जिम्मेदारी से परे नहीं हटेंगे। दो साल दशहरा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, दशहरा रैली नहीं हो पाई यहाँ पर कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत करके उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, उसके बाद जो है कि शिवसेना को एक अच्छा मौका है यहाँ पर बड़ी दशहरा रैली करके अपनी ताकत दिखाने का और अपनी पार्टी में फिर से नई जान फूंकने का। पर यही एक समस्या हो गई है, शिवसेना की तरफ से बीएमसी में इस मैदान के लिए पत्र तो दे दिया गया है, लेकिन अभी तक बीएमसी ने उसे इजाज़त नहीं दी है। इससे एक नया कयास पैदा हो गया है और कयास ये लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट भी यहाँ पर अपनी रैली करके दशहरा के दिन अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। इसीलिए अब ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर इस शिवाजी पार्क पर रैली, दशहरा रैली होगी तो किसकी होगी। लेकिन इस बार अर्जी देने के बाद भी बीएमसी ने अब तक शिवसेना को दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी है। असली शिवसेना की यानी हमारी दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। राज्य भर से शिवसैनिक इस रैली के लिए पहुंचेंगे। सरकार अनुमति देगी नहीं देगी ये तकनीकी बातें हैं। हम नहीं जानते कोई रैली कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हालांकि अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके नेताओं की तरफ से गोलमोल जवाब से शिवाजी पार्क, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच राजनीतिक जोर अजमाइश का नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। शिवाजी पार्क पे दशहरा रैली पर कब्जा करके अगर वो ये साबित कर देते हैं कि सबसे ज्यादा शिवसैनिक हमारी रैली में थे, तो आगे चल के जो हमारा जो दल बदल कानून है उसमें सबसे बड़ी यही बात कही गई है कि पार्टी का जब विघटन हो जाता है तो वो मूल रूप से होना चाहिए, जमीन से लेके ऊपर सारी जो रचना है उसमें विभाजन होना चाहिए। और इस प्रयास में मुझे लगता है वो दिखा देंगे कि शिवसेना की रैली नहीं हो पाई दशहरा रैली, और हमने जो रैली लेने की, और मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो गुट है शिवसेना का वो अपनी रैली लेगा। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी असली नकली शिवसेना के संघर्ष के बीच ही अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि इस बार शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली किसकी होगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक माडिक, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।